आ रही राजनगर से, जहां पर राजनगर में दबंग नसीम खान को कहर मछुआरन पे भैया देखवे का मिलो है। उनको कैब हुआ तो मछुआरन को कहते पे प्रशासनिक अधिकारी ने तो कह दी कि तालाब दबंगन से मुक्त है, लेकिन फिर भी दबंग हम उनके ऊपर कब्जा बना रहे। जिसे इतने पे गरीब रैकवार समाज की मछुआरा जो है परेशान, उनको कैब दो वक्त की रोटी हम हो रहे इतने पे रोटी के लाने मछली पालन करत है, फिर भी इतने पे हम उनका न्याय नहीं मिल रहा। कही कि दबंग नसीम खान जब हमारे मछली पकड़े आओ तो गाली गलौज करके तैसे हम उनका भगा दे। जिसके बाद में भाजपा नेता आशीष रैकवार ने कही है कि पुलिस प्रशासन ध्यान दे और कार्रवाई करे। पूरा मामला है राजनगर तालाब मतंगेश्वर समिति के पूर्व अध्यक्ष पूरन रैकवार को कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके बाद में जब समिति को संचालन अधिकारियों की देखरेख में है। विगत कुछ दिन पहले भाजपा नेता आशीष रैकवार अपनी टीम के संगे सहकारी समिति राजनगर पहुंचे थे, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी कमलेश गुप्ता से समिति से जोड़वे की जानकारी निकली, जिसके बाद में तालाब का मुक्त बताओगे को भी ठेकेदार को कब्जा नहीं है। तब आशीष रैकवार ने स्वयं जाल डाल के इतने पे मछुआरन खो उनकी मछली पकड़वे के लाने हक दिलाओ। तो बाद में उनके कुछ दिन बाद मछुआरे मछली पकड़वे लगे। एक बार में नवरात्र के चलत तालाब में को भी नहीं गो। बाद में रैकवार समाज के कछु मछुआरा मछली पकड़वे के लाने जब गए तो राजनगर की दबंग नसीम खान ने मछली पकड़वे से मना कर दो और कही कि इतने पे हमाओ ठेका है, को भी मछली नहीं पकड़ सकत। जब मछली पकड़ी तो उनको कह वो हतो कि इतने पे पुलिस द्वारा डंडा मार के भगा देगा हो। ई बीच मछुआरन खां गाली गलौज को वीडियो भी सामने आ रहा हो। उनको कह वो तो कि दबंग नसीम खान को कह वो तो कि अगर तुमने तेपे मछली पकड़ी तो पुलिस द्वारा डंडा मार के भगा दो जे है। और जी के बाद में गाली गलौज को वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा हो। जी के बाद में समस्त रैकवार समाज के मछुआरा परेशान है, आखिरकार दबंग से जो कब तालाब मुक्त हुई है ऐसे उनको कह वो हतो। हम आपको बता दें राजनगर तालाब के पास में एक वीडियो सामने आओ जी में राजनगर की नसीम खान खो को दबंग गुंडा बताओ जा रहा कि भाई जो दबंग गुंडा है जिनके ऊपर कई केस पहले से दर्ज हैं। जी के बाद में अब जी मछुआरन तक का नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में कार्यशैली पे भी पुलिस का सवाल उठ रहा हो कि जब पूरे समाज के लोग परेशान है तो पुलिस कार्रवाई ऐसे लोगों पे कई नहीं कर रही। एक जन होते तो पकड़ रहा भाई साहब होते तो अभी तो पकड़ा तेरे मछैया। अब इतना ही दे पहले अबे अबे पकड़ाते भाई साहब हाँ सामने बताऊंगा आप बहस नहीं कर रहे बहस कर रहे हमें कहा करना बहस करके कहा करना है जी के ना बता दूं कि माँ का भोसड़ा बता पुआ बहन को लड़ी है का हमें कहा करने पहुँचा तो है ठीक है होगा पूरा अबे अबे दस दिन पहले बहन को लड़के नौ दुर्गन जी पहले लेन लगा के पकड़ते काटते थे हमने कही कि जो मतलब काटते आदमी की लेन लगा के पकड़ते भी तो हमने कही चलो हम ही देखे हैं वही अब जैसे हमें मतलब बतान मिली थी पकड़ रहे। अब हैदराबाद से हम परसों ही नरसों आए हैं हैदराबाद में रहे हम नाम है आपका आशीष अखबार मछुआ प्रकोप जिला संयोजक भाजपा से जी आप राजनगर तालाब की वीडियोस पर क्या कहना चाहेंगे। एक जो मैंने अभी मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देखी है उसमें एक नसीम करके है जो वहाँ के गुंडा एक्ट के तहत और जो कि मैंने उसमें वीडियो देखी है उसमें ये अज्ञात हो रहा है कि रैकवार समाज के लोगों को गालियाँ दे रहा है कि किसका टेका हुआ है जो कि मछुआ विभाग की मिली भगत से नसीम करके कई सालों से इस पर कब्जा कर हुआ था जो कि हमने इसमें अभी संज्ञान में लेके मैं खुद वहाँ तालाब पे गया था जो कि यह इसका किसी का ठेका नहीं होता रैकवार समाज का ठेका होता है जो कि ये बोला है मेरा ठेका है ये बोला है पुलिस ने डंडे मारे लेकिन पुलिस विभाग का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस विभाग ने किसी को हस्तक्षेप नहीं किया है जो जो कि वहाँ पर जो उन्होंने देखा है
इसको संज्ञान में लिया, नसीम करके कोई वहाँ पर है जो कि उसके वीडियो में माँ बहन की गाली दे रहा है, वो रैकवा समाज को गाली दे रहा है। किसी का ठेका नहीं है वहाँ, आज भी मैं कह रहा हूँ रैकवा समाज का ठेका होता है, और इसकी मैं जांच करवाऊंगा, जो कि मछुआ विभाग में कमलेश कुमार गुप्ता जी, जो कि इन दोनों नसीम करके मिली भगत से, जो कि वो कुछ समाज के लोगों को लेकर अपने नाम ठेका बोलता है, मेरा ठेका हो गया, जो कि मैं अभी राजनगर में जाके नसीम करके हैं उन पर FIR की कार्रवाई कराऊंगा, और इसमें पूरे समाज के लोग एकत्रित होंगे, और जो कि अभी माननीय श्री हमारे सचिन शर्मा जी हैं SP साहब, मैं उनको अवगत कराऊंगा कि वहाँ पे ये 307 के इनके कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, कि इन पर कार्रवाई की मांग की जाए, जो कि एक मुहिम चलाई जा रही है SP साहब के साथ, जो कि कहीं पे भी कोई गुंडा एक्ट के तहत होता है तो उसका मकान गिराने की कार्रवाई की जाती है। मैं वहाँ के जो पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे गुंडे लोगों को बिल्कुल ही किसी तरह की छूट ना दें, इन पर तुरंत एक्शन लें। माननीय राजनगर प्रभारी से मैं निवेदन करता हूँ कि इन लोगों पर तत्काल प्रभाव में इन पर FIR की जाए। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।